आज सियागिस किचन में बनने वाला है रिंग समोसा। तो गाइज अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले समोसे के लिए डो लगा लेंगे। तो यह मैं मेजरिंग कप से 2 कप मैदा ले ली हूँ। साथ ही इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून नमक और आधी छोटी चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को हाथों से इस तरह से क्रश करते हुए डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अजवाइन का। अब समोसे को खस्ता बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 5 बड़ा चम्मच रिफाइन ऑयल। अगर आप बिगिनर्स हैं तो एक साथ बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें आप ना डालें, पहले थोड़ा ही ऑयल डालें, उसके बाद चेक कर लें कि इसमें मोहन सही लगा है कि नहीं लगा है। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि मैदे के कण कण में ऑयल अच्छे से चला जाए। और ये देखिए, जब आप इसे मुट्ठी बांधेंगे ना तो एक अच्छा सा बॉल बनेगा, मतलब कि मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर कम ऑयल होता ना तो अच्छे से बॉल नहीं बन पाता। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मोइन कैसे देना होता है मैदे में। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका सख्त डो तैयार करेंगे। पूरी के आटे से भी कड़ा डो लगाना है। तो ये हो चुका है, अब हम इसे कवर करके 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब समोसे के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो कढ़ाई के गर्म होते ही 2 चम्मच तेल डालेंगे और तेल जब गर्म हो जाए तो 3 से 4 हरी मिर्च और 1 छोटी चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे और कुछ सेकंड के लिए इसे भून लेना है। गैस का फ्लेम लो ही रखें। यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच फ्रोजन मटर डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए इसे भी भून लेंगे। पर गैस अगर आप लोग फ्रेश मटर ले रहे हैं ना तो गैस का फ्लेम लो करके इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लें और मटर को अच्छे से सॉफ्ट कर लें। तो मटर हमारा हो चुका है, अब हम इसमें बॉयल किया हुआ आलू डाल देंगे। तो यह हमें 5 मीडियम साइज के आलू को बॉयल कर ली थी। कद्दूकस करके नहीं लेना है गाइस आलू को। अब हम इसे मसाले मिला देंगे। तो गैस का फ्लेम यहाँ लो ही रखें। तो आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। और मसालों को डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई करना है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। और आलू के जो भी बड़े बड़े चंक्स दिखाई दे रहे हैं ना, उसे हल्का हल्का तोड़ते जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो स्टफिंग थोड़ी चटपटी ही होनी चाहिए गाइस, तभी समोसे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आलू हमारा अच्छे से भुन चुका है, लास्ट में इसमें धनिया पत्ता डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। तो समोसे के लिए स्टफिंग बनके रेडी हो चुका है। अब स्टफिंग को अच्छे से ठंडा होने देंगे, तभी हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो 20 मिनट्स हो चुका है, आटे को थोड़ा और मसलते हुए हम चिकना कर लेंगे। स्टफिंग भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे इस तरह से। रोटी बनाने के लिए जितना बड़ा बॉल लेते हैं ना, उतने ही बड़े साइज का लोई लेना है और इसे एकदम पतला बेल लेना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसे स्क्वायर शेप देते हुए बेलेंगे। तो जितना बड़ा आप लोई लेंगे ना, उतना ही बड़ा आपका रिंग समोसा बन के रेडी होगा। तो ये देखिए, ये हो चुका है। अब इसके किनारे पर स्टफिंग को अच्छे से फैला देंगे। तो जिधर मैं स्टफिंग फैला रही हूँ, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि उधर की लंबाई ज़्यादा है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप लोग को कि जिधर की लंबाई ज़्यादा हो उधर ये स्टफिंग को भरना है। अब हम इसे अच्छे से इस तरह से सील कर देंगे। तो ये हो गया। अब इसका एक किनारा ऐसे काट लेंगे, मैं आगे दिखाऊंगी कि इसे क्यों काटी हूँ मैं। साइड में रख देते हैं इसे। अब 1/2 इंच का डिस्टेंस देते हुए इसे इस तरह से काट लेंगे, पूरा नीचे तक इसे नहीं काटना है। ये देखिए, नीचे का जो किनारा है ना उसे नहीं काटेंगे गाइस, ये देखिए। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हल्का प्रेशर देते हुए इसे थोड़ा सा रोल कर लेंगे इस तरह से, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और इसके दोनों किनारों को इस तरह से मिलाएंगे। तो जो मैदा का घोल तैयार किए थे वो इसके दोनों किनारों पर लगा देंगे इस तरह से, ये देखिए। इसकी सहायता से ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है। अब जो मैदे का स्ट्रिप है वो इसके ऊपर फोल्ड करते हुए चिपका देंगे इस तरह से। बहुत ही आसान है जिसे बनाना, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो एक पनकी रेडी हो चुका है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो गाइस समोसे के लिए तेल हल्का ही गर्म होना चाहिए, अगर आप ज़्यादा गर्म तेल में समोसा फ्राई कर देंगे ना तो समोसे के ऊपर बबल आ जाता है। तो 3 से 4 मिनट के लिए आप इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करें और जब समोसे का कलर हल्का चेंज हो जाए तब गैस का फ्लेम मीडियम कर दें। तो ये देखिए गाइस, समोसा बनके हमारा रेडी हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये थोड़ी और डार्क हो जाएगी।
आप इसे हरे धनिया की चटनी या फिर टोमेटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो गाइस, इससे पहले भी मैं समोसे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, उसे भी आप लोग जरूर देखें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मेरा रेसिपी इन्जॉय करें। बाय बाय। और हाँ गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।